लग रही होवे ते उस वजह तो तुम दस रहे कान्ने अच्छा होंगे है, ने। कैंपिंग जी इस्तेमाल हो जाता है जो जी कैंपिंग के दौरान, जी ठीक है। ए तुसी चेक कर सकते हो अक्सर है हर जंगल दे विच कान्ने होंदे ने उत्ते बुर लग गया होंदा है। हाँ जी हाँ बुर जी, जूम करके दिखा सही सकते है, हो ठीक है। ये ते डब दे उत्ते लगता है? जी जी डब दे उत्ते है हुण अग अच्छा, लग जाणी इस तरह कान्ने की दे। डब होंदी है जी जी गाइज, ते जिदे उत्ते जेड़ा ना जेड़ी असीं हुण जला सड़ी, अग ला सड़ी है, ते उहदे उत्ते है जेड़ा ना। तुसी अग नहीं लग रही एक या दो ले लेना अग तुहाड़ी लग जाएगी अच्छा, अपनी लकड़ियां एक दो रख लेना ते अग लग जाएगी ए अंदर। वेखो हुण मैं अग ला दा जैसे पेट्रोल नू नहीं अग लगदी इंज लगेगी इहनू। देखो देखो गाइस चेक दिस वन, ये पेट्रोल से भी ज्यादा डेंजर है। अगर आप पत्थर से ऐसे कर देंगे ना तो एक चिंगाड़े से ये बल पड़ेगी। उधर माचिस भी आपको नहीं मिल रही, दो पत्थर लें ऐसे उनको आपस में टकराएं और एक चिंगाड़ा निकलेगा वो भी आग जला सकता है ये। जी गाइस, ये हमें पेट्रोल से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई है। अगर कभी जंगल में या कैंपिंग में बंदा हो और आपको आग जलाने के लिए कोई चीज़ ना मिल रही हो, या लकड़ी गीली हो और आपकी आग ना जल रही हो, तो ये जो है डब के ऊपर एक होती है, इनकी बुर होती है, उनका फूल होता है, उसके ज़र्रे आप इस्तेमाल करके उनको लकड़ी में रख के, तो ये हमें शेर भाई ने तरीका बताया, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैंपिंग वाले लोगों के लिए भी इजी है, वैसे भी एक इन्फॉर्मेशन है। और ये भी है, ये देखें, ये अभी सारा ऊपर ये मैं फिर से था, आग लगाने लगो इनको। ये देखें, ये हम आपको तजर्बा करके दिखा रहे हैं, ये देखें, ये देखें आग कैसे लगती ये है इनको। कितनी जल्दी इसको आग पकड़ लिया है, आग को इसने, तो आप इसको इस्तेमाल करें। और ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी है, और कभी खुदा ना खास्ता आप फंस जाते हैं किसी जंगल में और रात गुजारनी पड़ जाती है आपको, या किसी भी और मसले के लिए, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। डब होती है, डब के ऊपर एक फूल होता है, बिल्कुल रुई की तरह का ये फूल नज़र आता है आपको, ये बहुत नरम मुलायम होगा, मिलेगा। माशाल्लाह इधर भी है।